भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 72 साल की उम्र में उन्होंने 12 सितंबर की दोपहर दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। सीताराम येचुरी पिछले काफी वक्त से बीमार थे, उन्हें श्वास संबंधित कई बीमारियां थी। सीताराम येचुरी के निधन से भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। येचुरी की राजनीतिक यात्रा उनके छात्र जीवन के दौरान ही शुरू हो गई थी। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने सीपीआईएम में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया। 2015 से 2022 तक पार्टी के महासचिव के रूप में वो कार्यरत रहे। सीताराम येचुरी साल 2005 से 2017 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। सीताराम येचुरी के निधन के बाद से ही उनके परिवार और संपत्ति को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। वो अपने पीछे लाखों रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। सीताराम येचुरी के परिवार के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, तो चले जानते हैं उनके परिवार और संपत्ति के बारे में। सीताराम येचुरी के राज्यसभा में दिए गए घोषणा पत्र के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 82,71,000 रुपए थी। सीताराम येचुरी के बैंक अकाउंट में 34 लाख रुपए से ज्यादा थे। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों में बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर्स पर 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश किया हुआ था। सीताराम येचुरी के पास 20 लाख रुपए की LIC पॉलिसी और दूसरी बीमा पॉलिसीज भी थी। उनके पास कोई आधिकारिक तौर पर गाड़ी नहीं थी। सीताराम येचुरी के पास 5 लाख रुपए के गहने थे। उनके नाम पर 19,75,000 रुपए की एक लैंड प्रॉपर्टी भी थी। सीताराम येचुरी ने अपने नाम पर कोई भी कर्ज नहीं ले रखा था। अब अगर बात करें उनके फैमिली के बारे में और साथ ही जाने कि उनका वारिस कौन है, तो सीताराम येचुरी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम इंद्राणी मजूमदार था। सीताराम येचुरी और इंद्राणी मजूमदार के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे। सीताराम येचुरी की पहली पत्नी प्रसिद्ध वामपंथी कार्यकर्ता वीना मजूमदार की बेटी थी। उनकी दूसरी शादी एक पत्रकार सीमा चिश्ती से हुई थी। वो द वायर के संपादक हैं और पहले BBC हिंदी की दिल्ली संपादक थी। सीमा चिश्ती से सीताराम येचुरी का एक बेटा है। उनके बेटे आशीष येचुरी का 35 साल की उम्र में कोरोना के रहते 2021 में निधन हो गया था। उनकी बेटी अखिला येचुरी इतिहास की प्रोफेसर हैं और सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और वो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में लेक्चरर थी। सीताराम येचुरी के परिवार में अब उनकी पत्नी सीमा चिश्ती और उनकी बेटी अखिला और बेटा दानिश हैं। कानूनी तौर पर सीताराम येचुरी के वारिस उनकी पत्नी और बच्चे होंगे। और अगर येचुरी के जन्म की बात करें, तो येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को तमिलनाडु के मद्रास, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, या एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 2005 में वो पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। सीताराम येचुरी एक प्रसिद्ध लेखक और स्तंभकार थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। तो 12 सितंबर को सांस की बीमारी के चलते उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।